गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू टी एस इन द स्कूल. माइसेल स्वाति महावर, आई टीच एस एस टी सब्जेक्ट. टुडे वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10th. वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एग्रीकल्चर. इन द प्रीवियस वीडियोज वी आर कंप्लीटेड टिल पेज नंबर 45. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी स्टार्ट विद पेज नंबर 46. कम टू पेज नंबर 46. ऑन दिस पेज वी आर कंप्लीटेड टिल स्मॉल फार्मर्स. Now come to the next topic, impact of globalization on agriculture. Globalization क्या होता है? जो दूसरी countries के साथ में हम पूरे world के साथ में जब trade करते हैं तो वो क्या कहलाता है? Globalization. Globalization is not a new phenomena. It was there at the time of colonization. ठीक है, globalization अभी newly हमारे सामने नहीं आया है. Colonization जब था इंडिया के अंदर तब से ही globalization चल रहा है. इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया. 19th सेंचुरी के अंदर जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आए थे, एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. उसी समय से इंडिया का जो स्पाइस है, स्पाइस यानी कि मसाले, यहाँ के जो मसाले हैं वो दूसरे कंट्रीज में भेजे जाते थे. एक्सपोर्टेड मीन्स भेजना, दूसरी जगह पर सेल करना. एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एंकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स. और जो फार्मर्स थे साउथ इंडिया के, उनको एनकरेज करा जाता था, उनको बोला जाता था कि आप इस तरह की क्रॉप ज़्यादा कल्टीवेट करो. टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. और आज भी इंडिया स्पाइसेस के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है. उस टाइम से आज तक इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता आ रहा है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिशर्स की हम बात करते हैं. सबको पता है ब्रिटिशर ने इंडिया का ड्रेन किया था. यहाँ से रॉ मटेरियल वो ले जाते थे और वहाँ से अपने मशीन से फिनिश गुड को बना करके इंडिया में महंगे दामों में बेच देते थे. ये कहानी तो सबको पता है कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर क्या होता था, कॉटन बेल्ट बन गया था इंडिया उसके लिए, कि यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड बना करके उसी टेक्सटाइल को इंडिया के अंदर सेल किया जाता था. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया. अब जो इंडस्ट्रीज थे, कौन से इंडस्ट्री, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल. मैनचेस्टर और लिवरपूल जो इंडस्ट्रीज थे ब्रिटिश एम्पायर के, वो इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर इंडिया के गुड क्वालिटी का कॉटन क्या करते थे, यहाँ से इम्पोर्ट करते थे. यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार. चंपारण मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था बिहार में, शुरू हुआ था 1970 के अंदर, उसके बारे में हमने सुना है. दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन. ठीक है, चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कब, 1917 के अंदर. बेटा ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना. चंपारण मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1917 बिहार के अंदर, वहाँ पर क्या हुआ था, किस लिए किया गया था, यहाँ से जो इंडिगो एक्सपोर्ट किया जाता था, फोर्सफुली इंडिगो यहाँ के फार्मर्स से प्रोड्यूस करवाया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो बनाओ और अपनी जो भी क्रॉपिंग आप कर रहे हो उसको कर दो बंद, और सिर्फ आप क्या प्रोड्यूस करोगे, इंडिगो प्रोड्यूस करोगे. क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए इंडिगो क्या था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. इंडिगो क्या होता है, नील होती है, किस काम में आती है, डाइंग और ब्लीचिंग. ठीक है, डाइंग और ब्लीचिंग के काम में ली जाती थी इंडिगो, इसीलिए फोर्स किया जाता था इंडियन फार्मर्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इंडिगो प्रोड्यूस करो. दे वर अनेबल टू ग्रो फ्रूट ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज. वो इतना भी ग्रो नहीं कर पाते थे फूड ग्रेन्स कि अपनी फैमिली को खिला सके, यानी इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे कि उनके फैमिली मेम्बर्स पूरे साल उसको खा सके. क्या, फूड ग्रेन्स, क्योंकि उनको फूड ग्रेन्स की जगह पे क्या बनाने के लिए फोर्स किया गया, इंडिगो. अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस. ग्लोबलाइजेशन के अंदर 1990 में फार्मर्स के सामने एक नया चैलेंज आ गया. डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हाई सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज. अब राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट और स्पाइस, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो थे, उनके सामने कंपटीशन आ गया था कि दूसरी कंट्रीज़ जो थी वो सब्सिडी पे एक सब्सिडी दे करके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल कर रही थी.
तो इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो मार्केट के अंदर सेल करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। आज अगर एग्रीकल्चर को सक्सेस बनाना है तो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के ऊपर। द ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस मच, ग्रीन रिवोल्यूशन ने बहुत प्रॉमिस किया कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, बट टुडे इट्स अंडर कॉन्ट्रोवर्सी। इट इज़ बींग एलेक्ट दैट इट हैज़ कॉज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, डाइंग एक्वेफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। द कीवर्ड टुडे इज जीन रिवोल्यूशन विच इंड्यूसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ग्रीन रिवोल्यूशन ने तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ में एक प्रॉब्लम ये हो गया कि लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। लैंड किस में चली गई, डीग्रेड के अंदर चली गई, जिसकी वजह से यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, वैनिश हो गई। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए, और एक कीवर्ड नाम दे दिया गया टुडे इंडिया को, जीन रिवोल्यूशन। कौन सा रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, अब जीन रिवोल्यूशन। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोक टूडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड आया वापस से, क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिस की जाती थी वो फैक्ट्री के बने हुए केमिकल से नहीं यूज़ किए जाते थे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के अंदर। हैंस इट डज़ नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर। अब जो फैक्ट्रीज़ का जो केमिकल था वो यूज़ होना बंद हो गया, जिसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता था वो नहीं होने लगा, बंद हो गया वो। अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फ्रूट ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेस। कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला कि इंडियन फार्मर्स को अगर फ्यूचर को हमें अच्छा इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ही फूड ग्रेन्स भी धीरे धीरे उसके अंदर भी हमें इंक्रीमेंट करना चाहिए, एकदम से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं करना चाहिए। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 600 मिलियन। कितना है रूरल गाँव का पॉपुलेशन, 600 मिलियन, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जिसके अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर में कितना एरिया आ जाता है, 250 मिलियन, एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन। पर पर्सन के लिए कितना होता है, हाफ हेक्टेयर, एवरेज इतना निकाला गया है कि पर पर्सन के लिए हाफ हेक्टेयर के ऊपर कल्टिवेशन किया जाता है। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। जो इंडियन फार्मर्स है वो सीरियल से किसके ऊपर आ गए, हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर, यानी जिनका प्राइसेस ज़्यादा होता है। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। अब इससे लोगों की क्या हो गई, एक तो इनकम इंक्रीज हो गई हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाने से, और दूसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरीगेशन देन राइस और शुगर कैन। क्योंकि ये जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, मेडिसिनल हर्ब्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स है, जैसे कि जेट्रोफा और जोजोबा, इनमें जो इरीगेशन फैसिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है, कम पानी चाहिए होता है इन कंपेरिजन टू राइस एंड शुगर। राइस और शुगर केन ऐसी प्रोडक्ट हैं, ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप। और यहाँ का जो डाइवर्स क्लाइमेट है वो किसके लिए है, हाई वैल्यू क्रॉप्स, यानी ईजिली हाई वैल्यू क्रॉप्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। क्लियर टू यू, दिस चैप्टर वॉज कम्प्लीटेड। नाउ कम टू द मैप पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, कम टू पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में आपको मैप दे रखा है, सी दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। क्या है ये, पॉलिटिकल मैप है। आप क्या करेंगे, पॉलिटिकल मैप लेंगे इंडिया का, उसमें मेजर एरिया और माइनर एरिया आपको राइस के लोकेट करने हैं। जो डार्क ग्रीन कलर का है वो तो क्या है, मेजर एरिया, ये वाला, ये सारा जो डार्क ग्रीन कलर का जो एरिया है ये क्या है, मेजर एरिया। आया समझ में, यानी कि सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। और जो लाइट कलर में है, जो लाइट कलर में है वो क्या है, माइनर एरिया, ये वाला पोर्शन जो लाइट कलर में दे रखा है ये क्या है, माइनर एरिया, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, किसका, राइस का। तो आपको पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया का, और उसके अंदर ऐसा का ऐसा आपको वहाँ पर इस तरीके से स्केच करके और कलर करके आपको शो करना है मेजर एंड माइनर एरिया ऑफ राइस। क्लियर,
नेक्स्ट मैप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट, वीट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जैसे मैंने वहाँ पर बताया, वो भी पॉलिटिकल मैप है और ये भी क्या है पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पर इस मैप के अंदर लाइट ब्राउन कलर में जो दे रखा है वो क्या है मेजर एरिया है, किसका मेजर एरिया है वीट का, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ये हैं। आपको हाथ से ऐसे स्केच बना करके आपको यहाँ पर इसके अंदर कलर करना है, ठीक है। और जो लाइट एरिया है वो लाइट एरिया आपका क्या है, ये लाइट वाला जो एरिया है लाइट पीच कलर जो है वो क्या है आपका माइनर एरिया, किसका वीट का। तो आपको दो पॉलिटिकल मैप लेने हैं, दो पॉलिटिकल मैप के ऊपर, एक के ऊपर तो आपको क्या बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस ऐसा कैसा आपको स्केच करके कलर करना है, और दूसरे पे आपको क्या बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट। आई गिव दीज टू मैप्स इन योर क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ जो मैं भेजूंगी उसके अंदर आपको ये दोनों मैप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये मैप बना करके आपको कॉपी के अंदर पेस्ट करने हैं। क्लियर टू यू?